जय बोलो तुलसी, जय बोलो रामा, जय बोलो लक्ष्मण, जय हनुमाना। ये है मनीषा, ये देखो कैसे खा रही है एक टुकड़ा। ये कसर मनीषा बढ़िया रहो। मैं मुँह में पानी को मैं बरतू छू पानी को मुख में बढ़िया रहो ना। आई टाइम लगा चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेरा पहला नमस्कार, छोटू को आशीष प्यार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। आप सभी लोगों को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और मैं भी तुलसी लगाती हूँ, जैसे आज देवशयनी एकादशी है तो आज के दिन तुलसी लगाते हैं और मैं भी तुलसी के पौधे लगाती हूँ। जैसे कि आज तुलसी एकादशी है, तुलसी लगाते हैं तुलसी के पेड़, और देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी लगाते हैं तो मैंने भी तुलसी लगा दी है। छोटे से पेड़ इसमें लगाए हैं मैंने, इस वाले डब्बे में। और ये तो मेरे पहले के ही पेड़ हैं ये, और यहाँ भी मैंने छोटे छोटे पेड़ लगा रखे हैं। ये बड़ा पेड़ तो पहले का ही है, और ये किनारों में जो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं वो मैंने आज लगा दिए हैं। इस तरफ भी लगाए हैं, पूरे में लगा दिए हैं। और ये पेड़ भी पहले का है। नैवेद्य चढ़ा के पूजा करके मैंने अभी अभी पूजा करी है। जय बोलो तुलसी, जय बोलो रामा, जय बोलो लक्ष्मण, जय हनुमाना। जय बोलो तुलसी, जय बोलो रामा, जय बोलो लक्ष्मण, जय हनुमाना। कहाँ रहे तुलसी, कहाँ रहे रामा, कहाँ रहे लक्ष्मण, कहाँ हनुमाना। घर घर रहे तुलसी, अयोध्या रहे रामा। ये देखिए आज मौसम बना हुआ है, बहुत ही अच्छा मौसम बना है। बादल लगे हुए हैं आसमान में, और यहाँ पर रास्ते में बहुत ज़्यादा घास हुआ है। ये सासू जी आए हैं घास काटने के लिए। दसल पहले को फोन कर था एल को तो फरांग दिखना चाह। ये देखिए नीचे ऐसा हुआ है घास से, ये अब इसको भी काटेंगे सब। आज का तो 4 दिन में पड़ जानी पाए। चौमास में हो ये फटाफट यूनु में सूख जाए। आजकल तुम ये जो काट सकता। हाँ उन्हीं होने यार ठुल्लो वो काम है। ये बाटला काटला अच्छा। हाँ वो सॉल्ट में हाल ना जदू काटला उदू बढ़ते रह लियो। आजकल बाद में जो क्यों अब मैं भी काटती हूँ इसको। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए गए मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। देखिए इससे पहले यहाँ पर बहुत सारा घास हुआ था, रास्ता ख़राब हुआ था। अभी अभी सारा घास काट के बहुत ही साफ रास्ता बन गया है। देखिए और नीचे का भी सारा घास निकाल दिया है इसमें से भी। इतना घास यहाँ पर अभी कटा हुआ है ये,
इसको भी ले जाएंगे सास जी। एल नहीं आ रहा है, एल गुण आ रही मंत्रा बाड़बिन तब लागनी हो तुम मेलबा धन नाला को टोल विल सुकोनो छु उजा कस लागो एक लागो मिले दे ते तुम गैल गुन हलबो मणि इतु खित्या तुमने लागरो पछि बताया देन तुम इतु गैल खित्या यो ये फूल ले कदो जना बले उ सापो करिया ना तुम गप्पो गबे सापो वेल पछि खित इतु खित्या तुमे करे अतो बडिया दिखा ये फूल को भता बोल देखनो कोनी मिया ए दिन जसा ये हम तो यहां से बाजुर बोले जाई मिया जसा हम पूछ कन्नु ना आ पूछ कन्नु बहु आई खेल जानी बहु पूछ कन्नु पर दिन आई खेल जानी बढ़िया पेड़ छु यो फूल यो कदो बढ़िया लागणो यो फूल यो मच्छर बैठो तो पेट में चाको भी मारो ले ए पत्ते मार हे मु तुम ए पत्ते मार हे मच्छर ये सासू जी आए हैं चाल ले जाने के लिए और यहाँ पर हाँ हो बे घर आप हाथल बढ़ाई बस साफ सफाई बिल्कुल बल घर मसाल डालना भेन डाली भैन में बढ़िया यहाँ तुल लेना अचार यो हाँ हाँ ले जाओ तुम घर अचार बढ़िया होने वो बढ़िया घर मसाल भाई अचार बेचने वाले के करने अचार जो आम काटे लून लून और हल्दी डाल दिया पांच लून उमड़ी मसाल मिला देनी हो उमड़ी मिला देनी हम उनके करा होगा नीचा एक उमड़ कम से कम यार डेढ़ दो किलो आ पान और वह बार हल्दी फोन करना सोचे थे हाँ मुझे तो हम ते अभी जब तो न्यूमनी नहीं चढ़ना चाहिए वो अच्छा कौशल को तो बढ़िया हो रहा है हो हो बड़ी न्यूमनी चढ़नी हो यहाँ ला आलग बताओ शिवराज में मेरे को भी हमारी मंगल तक है हाँ शिवराज में होनी तो मुझे ख्याल नहीं करना बढ़िया होना चाहिए निकालो ना अमूल रस भी नहीं बना लो बोलो
ये सासू जी ले गए हैं 2 डब्बे अचार के, टेस्ट करके बताया कौन सा होगा। हाँ शाम के 5 बज चुके हैं। अभी अभी सासू जी आए थे यहाँ पर और फूल के पेड़ भी ले गए सासू जी और अचार भी लेके गए हैं। और अब मैं बनाती हूँ चाय, चाय पीने का भी समय हो गया है। अभी अभी सासू जी ले गए थे अचार, अभी और अनीता भी आ गई है अचार ले जाने के लिए। एक टुकड़ा इसको टेस्ट करने के लिए भी दिया है हमने। अनीता का सुनो अचार बढ़िया स्वाद रहा। हाँ, ये भी ले जा रही है, 1 किलो में भी ले जा रही हूँ। हाँ, ये जगह मिल देखो। अभी अभी यहाँ पर तीसरी ग्राहक पहुँच चुकी है, ये है मनीषा। ये देखो कैसे खा रही है एक टुकड़ा, ये कैसे रहा मनीषा बढ़िया रहो। मैं मुँह में पानी को मैं बरतू छू पानी को मुँह में बढ़िया रहो ना। आई टाइम लागल हो बढ़िया भो हो नानकिन भल मानी बा। खट जाल देव आज ताल रोण दे ताल तो हरो मैंने ताल हरो में बाद में खिचिया बाद में खिचिया गरम कर भी गरम तेल खिचिया करो गरम तेल। शाम के 7 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग को बस इतना ही बनाती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लग रहे हैं करके, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।